हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष और स्वागत है आपको ऑनलाइन टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आपका एप्लीकेशन में प्रोफेशनल इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी विदाउट कॉपीराइट में। हाँ फ्रेंड्स, जब आप आपका एप्लीकेशन बनाते हो उस टाइम आपको बहुत सारे इमेज को इस्तेमाल करना पड़ता है। आप सिंपली गूगल में इमेज का नाम सर्च करके वो इमेज को डाउनलोड करके आपका एप्लीकेशन में यूज कर देते हो, लेकिन वो गलत है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कहाँ से आप विदाउट कॉपीराइट का इमेज डाउनलोड करेंगे और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हर वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और उसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दो यार, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन में कोई भी प्लेटफॉर्म में एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो तो उस टाइम में आपको बहुत सारे इमेज को इस्तेमाल करना पड़ता है। आप सिंपली गूगल में टाइप करके वहां से डाउनलोड कर लेते हैं और वो इमेज को आपका एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर आप ऐसे इमेज इस्तेमाल करेंगे तो जब आप गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को पब्लिश करेंगे उस टाइम कॉपीराइट का इशू आएगा, आपका एप्लीकेशन पब्लिश को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको विदाउट कॉपीराइट इमेज को इस्तेमाल करना चाहिए आपका एप्लीकेशन में। तो ये इमेज कहाँ से मिलेगा, आप डायरेक्ट गूगल ओपन कर दीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करिए पिक्साबे। ये जो पिक्साबे इमेज प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बहुत सारे इमेज मिलता है विदाउट कॉपीराइट में। आप आराम से यहाँ से इमेज डाउनलोड करके आपका एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। पिक्साबे खोलने के बाद यहाँ पे आप इमेज का नाम को सर्च कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ लव। जैसे लव में सर्च करूंगा यहाँ पे बहुत सारे इमेज आ जाएगा, आप आराम से यहाँ पे डाउनलोड करके आपका एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा गूगल प्ले स्टोर में, देखिए ये बहुत सारे एप्लीकेशन पब्लिश हुआ है जो कि मैं पिक्साबे का इमेज को इस्तेमाल कर रखा हूँ। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको विदाउट कॉपीराइट का इमेज मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इसके ऊपर पिक्साबे सबसे बढ़िया है आपका एप्लीकेशन के लिए। आप यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाकर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन के लिए, और कैटेगरी के अंदर जाके आप बहुत सारे इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो साइज है साइज के अंदर जाके आप एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर साइज का इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। जो लास्ट में कलर है, आपको अगर आपको ट्रांसपेरेंट का इमेज चाहिए तो ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करके गो कर लीजिए, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट का इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जो कलर है कलर चूज करके गो कर लीजिए और उसी कलर का इमेज डाउनलोड कर लीजिए आपके एप्लीकेशन के लिए। आप डाउनलोड तो कर लिए, फिर इमेज को कैसे एडिट करेंगे? अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप फोटोशॉप में इस इमेज को एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल में एडिट कर सकते हैं। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोल के पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए। जब ओपन हो जाए आप वो इमेज को चुनिए जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपके लिए सही होगा इमेज को एडिट करने के लिए। मैं जितना इमेज एडिट करता हूँ यहाँ पे पिक्सआर्ट में करता हूँ, और इसमें थोड़ा आसान होता है और बहुत कम समय में फोटो एडिटिंग हो जाता है। मैं मेरा यूट्यूब के लिए और एप्लीकेशन के लिए जो इमेज एडिटिंग करता हूँ वो पिक्सआर्ट में एडिट करता हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में। इसको इस्तेमाल करके आप आपका एप्लीकेशन के लिए फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। आप आपका एप्लीकेशन के लिए और यूट्यूब के लिए किसी दूसरे का इमेज को इस्तेमाल मत करिए। अगर आपके पास DSLR कैमरा है तो आप फोटो खींच के इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप पिक्साबे से इमेज को डाउनलोड करके आपके एप्लीकेशन या यूट्यूब के लिए इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो के लिए इस छोटा सा वीडियो था, और आपको जरूर पता होना चाहिए कैसे विदाउट कॉपीराइट इमेज को आपका एप्लीकेशन या यूट्यूब के लिए इस्तेमाल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।